हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन लोग बात करेंगे मैग्निफिकेशन फॉर स्मॉल लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जेक्ट। अभी तक जो अपन लोगों ने मैग्निफिकेशन पे बात करी, पहले अपन उस पर एक बार थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद अपन लोगों को बहुत इजीली अपन को समझ में आ जाएगा कि अगर मैं मैग्निफिकेशन के लिए बात करता हूँ फॉर स्मॉल लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जेक्ट के लिए तो वो किस तरीके से डिफाइन होता है। तो अभी तक अपन लोगों ने मैग्निफिकेशन में क्या देखा कि सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक मिरर है, सपोज मेरे पास यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर है, ठीक, इसका फोकल लेंथ मेरे पास कितना है, एफ है, ठीक, ये हो गया पोल, ये हो गया अपने पास फोकस, ये हो गया अपने पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है अपन लोगों के पास, ठीक है ना, ये अपने पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। आप देखिए जो भी ऑब्जेक्ट अभी अपन ले रहे हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी अपनी मुख्य अक्ष है उसके लंबवत परपेंडिकुलर ले रहे हैं कि ले रहे हैं, ठीक। और इसका यहां से यहां तक का ये जो हाइट है अपन लोगों के पास ये कितना होता है h नॉट, और यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस आप लोगों के पास कितना होता है u। फैक्ट है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, तो इमेज कहां पे फॉर्म होनी है, यहां पे कहीं पर इस तरीके से बननी है कि नहीं बननी है अपन लोगों के पास, ठीक। और ये जो इमेज अपन लोगों के पास बनेगी इसका हाइट अपन लोगों ने कितना ले लिया एच आई, और यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा अपन लोगों के पास बी। तो ऐसी कंडीशन पे यहां पर अगर मैं मैग्निफिकेशन को डिफाइन करता हूं एम, तो याद करो तो मैग्निफिकेशन अपन लोगों के पास आता है एम इक्वल टू एच आई अपॉन में एच नॉट इक्वल टू माइनस वी अपॉन में यू, डिफाइन करा था अपन ने, ठीक। और जब अपन इसको और डिटेल में डिस्कस करा था, ठीक, तो अपने पास जो मैग्निफिकेशन का पूरा फॉर्मूला आया था वो आया था एच आई अपॉन में एच नॉट इक्वल टू माइनस वी अपॉन में यू इक्वल टू एफ अपॉन में एफ माइनस यू इक्वल टू एफ माइनस वी अपॉन में एफ। ये अपने पास पूरा एक फॉर्मूला बना था मैग्निफिकेशन का अपने पास, आई बस में। और इस मैग्निफिकेशन में अपन क्या देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, में तो इस तरीके के जो मैग्निफिकेशन होता है, या तो सिंपल लैंग्वेज में इसको क्या बोल देता हूं, नॉर्मल मैग्निफिकेशन ही बोलता हूं अभी तक, ठीक, या फिर इसको अपन बोलते हैं एक तरीके से ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इट मीन्स अनुप्रस्थ, क्या बोलेंगे इसको अपन, अनुप्रस्थ आवर्धन। अगली बात सुनना आप लोगों को, ठीक, इसको अपन क्या बोलेंगे, एक तरीके से अनुप्रस्थ आवर्धन, अगली बात सुनना आप लोगों को, ठीक। और इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे एम टी से, क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रांसफर का अपन लोगों ने क्या ले लिया टी, तो अपन इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। उसी के बाद अगर सपोज मेरे पास ये कॉनकेव मिरर है, इसका फोकल लेंथ कितना है आपके पास एफ, हो गया पोल, ठीक, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैंने ऑब्जेक्ट जो है उसको प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ऐसे रख दिया, इस तरीके से रख दिया प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, ठीक, इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रख दिया। तो फैक्ट है इमेज मैं मान लेता हूं यहां पर कहीं पर इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से फॉर्म होगी इमेज यहां पर कहीं पर। अगली बात में अब आप बहुत ध्यान से देखना कि अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं कि अगर यहां पे कहीं पर इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां पे इस तरीके से फोकस है, तो फैक्ट है कि जो एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास है, तो फैक्ट है यहां से यहां तक का अगर डिस्टेंस मेरे पास कितना है यू वन है, बहुत ध्यान से सुना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेरे पास कितना है यू वन है, तो फैक्ट है कि जो इमेज बनेगी, तो फैक्ट है कि ये वाला एंड किधर की तरफ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और आपको पता है कि जब इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होती है, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट भी उस टाइप पर कहां पर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है, क्योंकि जब अपन इंफिनिटी पर होते हैं तो इमेज होती है फोकस पर। अब जैसे जैसे आप मिरर के पास आते जाते हो वैसे वैसे इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ चलती जाती है, भाई बस समझ आपको, तो जो एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के सबसे ज्यादा पास है, तो फैक्ट है जो इस इमेज का जो ये वाला एंड होगा ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास बनने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशन पे अब यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास वी वन। और जो एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर होता है, तो फैक्ट है कि वो मान लीजिए कि वो डिस्टेंस आपके पास कितना है यू टू, तो अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है, तो फैक्ट वो वाला एंड किधर की तरफ चला जाएगा, फोकस की तरफ। तो फैक्ट जो इमेज यहां पर बनेगी उसका जो सेकंड इमेज बनेगा वो यहां पर इस तरीके से बनेगा, और ये जो डिस्टेंस होगा अपन लोगों के पास, ये डिस्टेंस आप लोगों के पास कितना होगा वी टू। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि यहां पर ऑब्जेक्ट का लेंथ बताओ, तो ऑब्जेक्ट का लेंथ देखना ये यू टू ये U1, तो फैक्ट है कि जो ऑब्जेक्ट का लेंथ होगा वो मेरे पास एक तरीके से कितना जाएगा U2 माइनस U1, जिसको एक तरीके से मैं डेल्टा U भी तो बोल सकता हूं। तो फैक्ट है कि इस डेल्टा U लेंथ के ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी
उसका लेंथ कितना होगा, तो फैक्टर उसका लेंथ यहां से यहां तक होगा कि नहीं होगा, और उसका लेंथ यहां से यहां तक आप लोगों के पास होगा वी वन माइनस वी टू, ठीक है। और इसको मैं एक तरीके से क्या बोल सकता हूं, डेल्टा वी बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं। तो यहां पर अब जो अपन लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं वो डेल्टा के टर्म में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मैग्निफिकेशन जो होगा अपन लोगों के पास ऐसी कंडीशन पे एम इक्वल टू कितना जाएगा आप लोगों के पास, एम इक्वल टू हो जाएगा वही माइनस डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा यू हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन होगा माइनस डेल्टा वी कितना है, वी वन माइनस वी टू अपॉन में यू टू माइनस यू वन, माइनस को अंदर ले जाओ, तो ऐसी कंडीशन पे एम इक्वल टू आप लोगों के पास हो जाएगा वी टू माइनस वी वन अपॉन में यू टू माइनस यू वन। इससे रिलेटेड अपन लोगों ने क्वेश्चंस भी करे थे, और ये जो मैग्निफिकेशन होता है इसी को अपन बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। इसलिए अपन लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया, एल लिख दिया, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का अपन लोगों ने लेंथ लिया है वो नेग्लिजिबल नहीं लिया, इसलिए अपन लोगों ने क्या करा, पहले U1 एक एंड लिया, उस एक एंड का एक एक इमेज बनाया, फिर दूसरा एंड लिया, फिर उसका इमेज बनाया, फिर उसको एक लाइन के थ्रू क्या कर दिया अपन लोगों ने, कनेक्ट कर दिया, फिर इसका डिफरेंस निकाला, इसका डिफरेंस निकाला, तो अपन लोगों ने वहां पे क्या कैलकुलेट कर लिया, एक तरीके से मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अगर सपोज अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि अगर ये लेंथ बहुत स्मॉल होती तो देखना आप लोग किस तरीके, पहले इसको देखो एक बार अच्छे से, इसको अपन क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, मतलब अनुदैर्ध्य आवर्धन। क्या बोलेंगे इसको अपन, अनुदैर्ध्य आवर्धन। देखो इसको एक बार, ठीक है बेटा, अब देखना आगे। वही एज इट इज मेरे पास कॉनकेव मिरर है, इसका फोकल लेंथ अपन लोगों ने भी कितना ले रखा है, एफ ले रखा है। अब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, उसको मैंने प्रिंसिपल एक्सिस जो कि मेरे पास मुख्य अक्ष है उसके ही अलॉन्ग रख रखा है मैंने इस तरीके से, अभी बस में। अब यहां पे जो ये लेंथ है मेरे पास, ठीक है ना, ये मेरे पास है कितनी, डी यू। इटमीन्स अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो यहाँ पे अब जो मैंने लिमिट फिक्स कर दी कि जो डेल्टा यू है वो एक तरीके से मेरे पास, मैंने यहाँ पे लिमिट फिक्स कर दी कि जो डेल्टा यू है वो एक तरीके से मेरे पास क्या हो गया, टेंस टू जीरो हो गया। तो अगर मेरे पास डेल्टा यू टेंस टू जीरो हो गया, मतलब बहुत छोटा ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऐसी कंडीशन पे फैक्टर इसकी जो इमेज बनेगी, इसकी जो इमेज बनेगी वो भी एक तरीके से मेरे पास क्या बनेगी, स्मॉल बनेगी कि नहीं बनेगी, और उसकी लेंथ मेरे पास यहाँ पे कितनी निकल के आएगी, डीवी निकल के आएगी कि नहीं आएगी। तो अब मैं इसी स्मॉल लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जेक्ट की बात करना चाहता हूं, आई बस में, कि अगर मेरे पास सपोज एक लॉन्ग साइज का है, ठीक है ना, एक लॉन्ग लेंथ का मेरे पास है, इसका डायमेंशन मैं नेग्लिजिबल नहीं कर सकता हूं, तब तो मेरे पास पूरा प्रोसेस है इसे एक एक एंड करके मैं क्या कर सकता हूं, इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। लेकिन अगर सपोज मेरे पास जो डायमेंशन है उसकी वो नेग्लिजिबल है, अब मुझे कैसे पता लगेगा नेग्लिजिबल है, तो सिंपल सा याद रखना कि इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है, अब यहां से यहां तक की कोई ना कोई जो डिस्टेंस होगी, पोल और ऑब्जेक्ट के बीच की कोई ना कोई तो डिस्टेंस होगी कि नहीं होगी, उसके रेस्पेक्ट में अगर ये बहुत स्मॉल है, जैसे मान लीजिए कि ये आप लोगों के पास 1 मीटर है, 100 सेंटीमीटर है, और ये एक तरीके से 1 मिलीमीटर है, ये तो हो गया 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर, और ये हो गया आप लोगों के पास 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर का मतलब 10^-3 मीटर, तो फैक्ट है कि इसके रेस्पेक्ट में मैं इसको नेग्लिजिबल कंसिडर कर सकता भी नहीं कर सकता। तो अगर इस तरीके का आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसका डायमेंशन इसके रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, कहां से, पोल से, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में अगर नेग्लिजिबल है, तो आप लोग उसको एक तरीके से क्या बोल सकते हो, स्मॉल लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। आई नहीं आई बस समझ में आप लोगों को, तो अपन को देखना है कि यहां पर अगर मुझे डीवी कैलकुलेट करना है या डीयू कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो उसको मैं किस तरीके से कैलकुलेट करूंगा, आई बात समझ में। और आप सबको पता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग अगर ऑब्जेक्ट अनुदिश अगर अपना बिंब रखा हुआ है, तो हमेशा अपन बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन पर, अनुदैर्ध्य आवर्धन पर। लेकिन यही ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो हमेशा बात करेंगे किस पर, अनुप्रस्थ आवर्धन पर, इट मीन्स ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन पर। आ गई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। अब आप देखना, ठीक, तो अब अपन को पता होता है वही मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं अपन, यूजिंग मिरर फॉर्मूला,
मिरर फॉर्मूला आपके पास कितना था, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन में वी प्लस 1 अपॉन में यू, पता ही है। अब मैं क्या कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं बोथ साइड, तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास जीरो जीरो, क्योंकि किसको एक बार आपने जो मिरर ले लिया उसका फोकस तो फिक्स हो गया, उसको आप अपन चेंज ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो फोकस होता है वो कितना होता है आर बाय टू होता है, किसी भी सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता, केवल केवल किस पर डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्त त्रिज्या पर निर्भर करता है, और ये जाएगा माइनस का 1 अपॉन में वी स्क्वायर डी वी माइनस 1 अपॉन में यू स्क्वायर डी यू हो जाएगा। ठीक, इसको इधर लेके चले जाओ तो ये जाएगा 1 अपॉन में वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन में यू स्क्वायर डी यू हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे अब अपन लोगों के पास आ जाएगा डी वी इक्वल टू कितना जाएगा माइनस का वी स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर इंटू डी यू। आई बात समझ में आप लोगों को, और आप सबको पता होता है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो एमटी होता है, एमटी का मतलब समझ गए ना, अनुप्रस्थ आवर्धन ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कितना होता है माइनस वी अपॉन में यू होता है। तो ऐसी कंडीशन पे आप देखना तो मेरे पास डी वी इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम का होल स्क्वायर आगे पास में इंटू डी यू, अब स्क्वायर है माइनस है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, देन डी वी इक्वल टू जाएगा मेरे पास माइनस एम टी स्क्वायर इंटू डी यू। तो ऐसी कंडीशन पे इसको नीचे लिखते जाओ तो डी वी अपॉन में डी यू इक्वल टू मेरे पास कितना जाएगा माइनस एम टी का होल स्क्वायर। तो डी वी अपॉन में डी यू एक तरीके से क्या होता है मैग्निफिकेशन होता है कि नहीं होता है, तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं एम एल एम एल एम एल का मतलब समझे ना लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन मतलब अनुदैर्ध्य आवर्धन इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा माइनस एम टी स्क्वायर। ये मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, फॉर स्मॉल लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जेक्ट के लिए बात करो। आई नहीं आई बात समझ में आप लोगों को, बहुत ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखो इसको एक बार, ठीक है बेटा, अब अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। अब आप देखिए अपन लोगों के पास एक कॉनकेव मिरर दे रखा है, अपन को अपने पास एक कॉनकेव मिरर है और इसका फोकल लेंथ अपन लोगों के पास कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक, और इससे इसके पोल से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक एल साइज का अपन लोगों के पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ। ठीक, जिसका ये वाला लेंथ भी आप लोगों के पास 1 मिलीमीटर है और ये वाला लेंथ भी अपन लोगों के पास 1 मिलीमीटर है। आगे बस में स्मॉल साइज हो गया ना 1 मिलीमीटर, लॉन्गिट्यूडनल वाला जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है उस साइज का लेंथ कितना है 1 मिलीमीटर, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है ठीक ना उसका भी लेंथ अपन लोगों के पास कितना है 1 मिलीमीटर। फिर भी अपन इसको बोल देते हैं ए बी एंड सी। ठीक, अब फैक्टर 30, अब आप देखना फोकस कितना है, अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो फोकस तो यहां पर कहीं पर होगा 20 पे और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर होगा कि ये वाला, इट मींस अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो 2f यहां पर होगा। अब ये दोनों के बीच में आ रहा है तो फैक्टर जो इमेज बनेगी वो बियॉन्ड सी, सी के पीछे बनेगी कि नहीं बनेगी। अरे बात समझे आप लोगों को, तो आप बहुत ध्यान से देखना, तो सी और बी वाला जो पोर्शन है, सी और बी वाला जो पोर्शन है इस एल साइज के ऑब्जेक्ट का, वो देखो आप लोग कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो यहां पे जो मैग्निफिकेशन होगा वो कौन सा मैग्निफिकेशन होगा, कौन सा आवर्तन होगा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होगा कि नहीं होगा, अनुप्रस्थ आवर्तन होगा कि नहीं होगा। जबकि अपन लोगों के पास ए बी वाला पार्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है, मुख्य अक्ष के अनुदिश है, तो ऐसी कंडीशन पे यहां पे कौन सा मैग्निफिकेशन होगा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होगा, अनुदैर्ध्य आवर्तन होगा। आई नहीं आई बस में, तो अपन लोगों को यहां पर पता करना है फाइंड आउट द साइज ऑफ इमेज। ठीक है, करें हम अपन, तो देखना आप लोग। ठीक, मुझे क्या क्या कि मैंने पहले वो लिख लेता हूं, एफ इक्वल टू है मेरे पास माइनस का 20 सेंटीमीटर, यू इक्वल टू है मेरे पास माइनस का 30 सेंटीमीटर। अगली बात में तो मैं यहां से ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता, अनुप्रस्थ आवर्धन निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं, और वो कितना आएगा मेरे पास एम टी इक्वल टू एफ अपॉन में एफ माइनस यू आएगा कि नहीं आएगा। F की वैल्यू मेरे पास कितना है माइनस का 20 अपॉन में माइनस का 20 प्लस 30 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 30 हो जाएगा,
तो ऐसी कंडीशन पे मेरे पास यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 20 अपॉन में 10 बचेगा, ये इससे कैंसिल हो गया, तो जो मेरे पास यहाँ पे मैग्निफिकेशन आएगा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आएगा, वो एक तरीके से मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस 2 आएगा। माइनस 2 का मतलब समझ गए ना, इट मीन्स अगर ये लेंथ 1 है, अगर ये लेंथ 1 है आप लोगों के पास, 1 यूनिट है, तो माइनस 2, माइनस का मतलब ऑब्जेक्ट रियल है, ठीक, और माइनस का मतलब फैक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाएगा, और कितना है, माइनस का 2, मतलब अगर ये 1 है तो अब जो इमेज बनेगी उसकी जो लेंथ होगी, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, अब आप लोगों के पास 2 मिलीमीटर हो जाएगी। आई नहीं आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल इसके लिए बात करता हूं कि एबी के लिए बात करूं, तो मेरे पास कितना जाएगा, एक तरीके से एम एल हो जाएगा, कि नहीं जाएगा, और एम एल मेरे पास कितना जाएगा, माइनस का एम टी का स्क्वायर। तो ऐसी कंडीशन पे एम एल इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ऐसी कंडीशन पे एम एल इक्वल टू मेरे पास कितना जाएगा, माइनस 4। मतलब अब ये जो लेंथ है ये कितने टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। माइनस मतलब अब आप देखना, ये ऐसे रखा है, ये इस तरीके से रखा है, तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, और माइनस का मतलब अब जो एल बनेगा वो अपोजिट बनेगा। मतलब इट मीन्स जो इमेज अपन लोगों की फॉर्म होगी वो किस तरीके से फॉर्म होगी, देखना आप लोग। इस तरीके से फॉर्म होगी, आई बात समझ में आप लोगों को। तो ये अपन लोगों के पास एक तरीके से क्या बनी, इमेज फॉर्म हुई, ठीक है। अब ये 1 मिलीमीटर है, तो ये वाली लेंथ आप लोगों के पास कितनी जाएगी, ये हो जाएगी 2 मिलीमीटर। 2 क्यों, क्योंकि मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स हो गया, यहाँ पर मैग्निफिकेशन कितने टाइम हो गया, 4 टाइम्स। तो फैक्ट है ये 1 है, तो इसका 4 टाइम्स इधर कितना जाएगा आप लोगों के पास, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, 4 मिलीमीटर हो जाएगा। आई बात में देख लेते हैं क्या रियलिटी में 4 आ रहा है क्या। आपको पता है ML, ML की वैल्यू कितनी होती है, dV अपॉन में dU इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस 4। तो ऐसी कंडीशन पे dV इक्वल टू अपन लोगों के पास कितना जाएगा, माइनस का 4 इंटू dU हो जाएगा, कि नहीं जाएगा। अब dV इक्वल टू माइनस, अब dU कितना है, dU ये वाली लेंथ है अपन लोगों के पास, तो जाएगा 4 इंटू 1 मिलीमीटर। तो ऐसी कंडीशन पे dV इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4 मिलीमीटर। आई नहीं आई बात समझ में बेटा आप लोगों को, बस इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे इसमें। अरे बस में देखो जल्दी से एक बार इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन लोगों को एक स्क्वायर दे रखा है, एक वर्ग दे रखा है, ठीक, जिसका हाइट अपन लोगों के पास 1 मिलीमीटर है, और जो लेंथ है वो भी अपन लोगों के पास कितना है, 1 मिलीमीटर। इसको अपन नेमिंग कर देते ए बी सी डी, अगली बस में, और ये पोल से कितना डिस्टेंस पर है, 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। और जो अपन लोगों ने कॉनकेव मिरर यूज करा है, जो अपन लोग कॉनकेव मिरर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ अपन लोगों के पास कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। तो फैक्ट है फोकस यहाँ पर कहीं पर होगा, तो इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन एफ एंड पी है। तो फैक्ट है जो बनने वाली इमेज है वो आप लोगों के पास क्या बनेगी, वर्चुअल, और वर्चुअल बनेगी तो इट मीन्स मिरर के किधर की तरफ बनेगी, पीछे की तरफ बनेगी कि नहीं बनेगी। तो फैक्ट है जो इमेज बनेगी वो यहाँ पर कहीं पर बनेगी अपन लोगों के पास, पीछे की तरफ, इस तरीके से कुछ बनेगी। आई बात समझ में आप लोगों को, तो आप बहुत ध्यान से देखना, ठीक। अब मुझे यहाँ पे एज इट इज वही करना है, ठीक है ना, साइज कैलकुलेट करना है इसका। तो मेरे पास यहाँ पे भी वही दो तरीके से बात करनी है, एक तो पहले ट्रांसवर्स के लिए बात करनी है, फिर लॉन्गिट्यूडनल के लिए बात करनी है, पहले अनुप्रस्थ के लिए बात करनी है, फिर अनुदैर्ध्य के लिए बात करनी है। तो मुझे एफ गिवन है, एफ मेरे पास कितना गिवन है, वही माइनस का 20 सेंटीमीटर, और यू गिवन है मेरे पास माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो ऐसी कंडीशन पे मेरे पास एम टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ अपॉन में एफ माइनस यू। तो ऐसी कंडीशन पे ये कितना हो जाएगा, माइनस का 20 अपॉन में माइनस का 20 प्लस 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे मेरे पास एम टी इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 20 अपॉन में माइनस का 5, ये इससे कैंसिल हो गया। तो ऐसी कंडीशन पे जो मैग्निफिकेशन आएगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, ट्रांसवर्स वाला, परपेंडिकुलर वाला, जो मुख्य अक्ष के प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, वो मैग्निफिकेशन कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। इट मीन्स अगर ये 1 मिलीमीटर है तो ये वाला लेंथ मेरे पास एक तरीके से कितना हो जाएगा, 4 मिलीमीटर हो जाएगा। आएंगे ये बात समझ में आप लोगों को, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं किसके लिए, लॉन्गिट्यूडनल के लिए, तो एम एल इक्वल टू होता है माइनस का एम टी होल स्क्वायर या एम टी स्क्वायर। तो ऐसी कंडीशन पे माइनस, और ये हो जाएगा 4 का
होल स्क्वायर। तो ऐसी कंडीशन पे मेरे पास एम एल इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 16, होगा कि नहीं होगा? ठीक, तो ऐसी कंडीशन पे मेरे पास यहां पे कितना जाएगा डी वी अपॉन में डी यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस 16। ऐसी कंडीशन पे dv इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 16 इंटू डी यू, ये डी यू ये वाले डिस्टेंस है, अगले बस में। तो आप लोगों के पास dv इक्वल टू हो जाएगा माइनस 16 इंटू 1 मिलीमीटर, ऐसी कंडीशन पे dv इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास माइनस का 16 मिलीमीटर, आई बस में। इट मीन्स यहां से यहां तक की जो लेंथ मेरे पास बनेगी कितनी बनेगी 16 मिलीमीटर बनेगी। अब माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब जस्ट उल्टा, इट मीन्स अगर ए बी इधर की साइड है तो जब इसका इमेज फॉर्म होगा तो ए बी की तरफ कितना चला जाएगा अपन लोगों के पास, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इट मीन्स यहां पर आ जाएगा आप लोगों के पास एक तरीके से, यहां पर हो जाएगा ए डैश, यहां पर हो जाएगा बी डैश, यहां पर हो जाएगा आप लोगों के पास सी डैश, और यहां पर आप लोगों के पास हो जाएगा डी डैश। आई नहीं बात समझ में आप लोगों को? तो इस तरीके से अपन लोग मैग्निफिकेशन पे क्या करते हैं, बात करते हैं। आई बात समझ में? देखो इसको एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ इमेज, वॉल्यूम ऑफ इमेज। अपन लोगों को यहां पर क्या करना है, इमेज का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्यूब है, और क्यूब का साइड मुझे कितना दे रखा है 1-1 मिलीमीटर दे रखा है, मतलब हर एक साइड मेरे पास यहाँ पे कितना है 1-1 मिलीमीटर, इस तरीके से ये 1 मिलीमीटर, ठीक है ना, ये भी हो गया 1 मिलीमीटर, ठीक। और ये वाला जो लेंथ है ये भी मेरे पास हो गया एक तरीके से 1 मिलीमीटर, अगले बस में। तो अगर मेरे को ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 × 1 × 1, ठीक है ना, और साथ में कितना जाएगा मिलीमीटर का क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये तो आ गया इसका वॉल्यूम, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे पास कितना हो गया 1 मिलीमीटर क्यूब हो गया कि नहीं हो गया, आई बात समझ में आप लोगों को? लेकिन मुझे किसका कैलकुलेट करना है वॉल्यूम, इमेज का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो ये क्यूब है, और बहुत ध्यान से देखना क्यूब, अगर मैं क्यूब की बात करता हूं तो क्यूब के पास तीन एक्सिस होती है एक्स वाई जेड। अगर ये एस एक्सिस है तो देखो ये वाली एक्सिस तो एक तरीके से क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये वाली एक्सिस। तो फैक्ट है इसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो कौन सा मैग्निफिकेशन होगा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होगा, कौन सी साइड का, एच डी साइड का लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होगा। इसी तरीके से ई ए साइड का भी लॉन्गिट्यूडनल, एफ बी लॉन्गिट्यूडनल, जी सी लॉन्गिट्यूडनल, इन चारों साइड का क्या होगा अपन लोगों के पास एक तरीके से लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होगा, इट मीन्स अनुदैर्ध्य आवर्धन होगा। लेकिन आपके पास यहां पे दो एक्सिस और हैं, जैसे डी ए और इसी तरीके से डी सी, ये एक तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है कि नहीं है। तो फैक्ट है यहां पर क्या होगा आप लोगों के पास ट्रांसवर्स, ठीक है ना, अनुप्रस्थ आवर्धन होगा। तो यहां पर दो बार तो मुझे अनुप्रस्थ निकालना है, ठीक है ना, एक तो इस वाली साइड के लिए और एक इस वाली साइड के लिए। इट मीन्स एक तो वाई एक्सिस में निकालना है अनुप्रस्थ, और एक जेड एक्सिस में निकालना है, और फिर एक लॉन्गिट्यूडनल निकालना है किस एक्सिस के अलोंग, एस एक्सिस के अलोंग। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं चाहूं तो इसको तो मैं बोल सकता हूं एस एक्सिस, इसको अपन बोल सकते हैं वाई, और इसको अपन बोल सकते हैं जेड। अब आप देख लो वाई और जेड एस एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं, और एस एक्सिस किसके अलोंग है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है कि नहीं, मुख्य अक्ष के अनुदिश है कि नहीं। तो फैक्ट है कि y और z के लिए तो अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, mt कैलकुलेट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अब mt कितना आएगा, तो mt इक्वल टू वही f अपॉन में f माइनस u होगा कि नहीं। अब f कितना है यहां पे, अब देखो ये कौन सा लेंस है, ये आप लोगों के पास है कॉन्वेक्स, सॉरी कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए आप लोगों के पास f इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस 20 माइनस, और आपके पास u कितना है 40, तो माइनस माइनस प्लस 40 हो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे mt इक्वल टू आ जाएगा 20/60, ये कैंसिल 1/3, तो mt इक्वल टू आ गया मेरे पास 1/3। 1/3 का मतलब समझ गए ना आप लोग, ठीक। इट मींस अब जो 1 है वो कितना रह जाएगा इमेज में, 1/3 रह जाएगा। इट मींस अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं तो देखना आप लोग बहुत ध्यान से, ठीक। अब मैं बात करता हूं किसके लिए, मैं बात करता हूं डी सी के लिए। तो मेरे पास जो डी डैश और सी डैश की वैल्यू होगी, डी डैश और सी डैश मतलब इमेज का हो गया ना, इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा mt इंटू डी सी। तो मेरे पास एक तरीके से डी डैश सी डैश इक्वल टू
मेरे पास कितना हो जाएगा एक तरीके से 1/3 × 1 mm हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसी कंडीशन पे डी डैश सी डैश इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 1/3 mm। पहले तो बेटा बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको वही एक तरीके से ये लिख दू एच आई अपॉन में एच नॉट इक्वल टू 1/3, देन एच आई इक्वल टू कितना देगा 1/3 × H0। एच नॉट क्या है आप लोगों के पास, डीसी, ये वाली तो हाइट है, ये वाली हाइट जी एच बोल दो या डीसी बोल दो, तो ये 1 mm है कि नहीं, तो मैंने इसको इस तरीके से कर दिया कि नहीं कर दिया, आगे बात समझ में। अब आप बहुत ध्यान से देखना नेक्स्ट क्या है अपन लोगों के पास, इसी तरीके से मैं बात करता हूं डी ए के लिए, क्योंकि डी ए भी तो परपेंडिकुलर है, डी ए ले लो, एच ई ले लो, ठीक है ना, जी एफ ले लो, सी बी ले लो, ये सब परपेंडिकुलर है, तो ऐसी कंडीशन पे यहां पे मेरे पास एक तरीके से डी डैश ए डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/3 mm। ठीक, अब मैं बात करता हूं लॉन्गिट्यूडनल के लिए, देन एम एल इक्वल टू माइनस एम टी का होल स्क्वायर, तो ऐसी कंडीशन पे एम एल इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम टी, एम टी की वैल्यू कितनी है 1/3 का होल स्क्वायर, देन एम एल इक्वल टू हो जाएगा -1/9। अगले पास में अब देखो ये कौन सी एक्सिस है आप लोगों के पास, एक तरीके से एच डी वाली है कि नहीं है, तो फैक्टर में यहां पर लिख सकता हूं एच डैश डी डैश इक्वल टू एच डैश डी डैश इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा एक तरीके से एम एल, ठीक है ना, एच डैश डी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा एम एल, एच डी हो जाएगा कि हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन पे मेरे पास एच डैश डी डैश इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/9 × 1 mm हो जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ऐसी कंडीशन पे एच डैश डी डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/9 mm। आई बात में, अपन यहाँ पे क्या करते हैं मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड पुट करते हैं, क्योंकि मुझे तो लेंथ चाहिए, ठीक है ना, तो कितना जाएगा आप लोगों के पास 1/9 mm हो जाएगा। तो अब आपको पता लग गया, ठीक, अपन को तो नॉर्मली तीन साइड चाहिए, एक ये, एक ये और एक ये, तो अपन क्या करते हैं तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मेरे पास तीनों साइड आ गई, ठीक है ना, डी डैश सी डैश आ गया, डी डैश ए डैश आ गया, ठीक है ना, और साथ में एच डैश डी डैश, ठीक है ना, एच डैश और डी डैश, तो ये तीनों लाइन आ गई मेरे पास, तो ये कितना जाएगा एक तरीके से तो जाएगा मेरे पास, तो वॉल्यूम कितना जाएगा, वॉल्यूम ऑफ इमेज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा 1/3 × 1/3 × 1/9, और यहां पर हो जाएगा मिलीमीटर क्यूब, तो अपन लोगों के पास आंसर आ जाएगा 1/81 mm³। आई बात समझ में आप लोगों को, देखो इसको एक बार,